हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टाइम। दिस इज मृत्युंजय शुक्ला एंड यू आर वाचिंग द पार्ट 7 ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट को पढ़ेंगे और असर्टिव सेंटेंस, जैसा मैं बताया था कि असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें पहले कंप्लीट करना है और बाकी के जो भी हैं WH वर्ड्स एंड मॉडल्स एंड जो भी है वो सब हम बाद में करेंगे। तो आज मैं पास्ट परफेक्ट इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। असर्टिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। असर्टिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये आपका एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में वही क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट आगे आता है, राइट। ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, तो पास्ट परफेक्ट है। असर्टिव वॉइस कैसा होगा स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन। ओके, एग्जांपल इसका कर लेते हैं। दे हैड हेल्प्ड हिम। ओके, ये आपका एक्टिव वॉइस है। इसे पैसिव वॉइस में करेंगे तो हिम क्या आएगा? ऑब्जेक्ट अगर सामने आता है तो ही हैड। ओके, बीन लगाना है मुझे हैड के बाद, हैड बीन। V3 है, V3 ही रहेगा। हेल्प्ड बाय, दे का प्रोनाउन क्या हो जाएगा यहां पे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम। ओके, तो आपके एक्टिव वॉइस में आपका स्ट्रक्चर था दे हैड हेल्प्ड हिम। पैसिव वॉइस में हो जाएगा ही हैड बीन हेल्प्ड बाय देम। ओके, अब यहां पे जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट लगा रहता है वेरी मच या क्विकली या ऑल द टाइम या सम टाइम्स, ओके, तो वो वैसे का वैसे ही रहता है। ओके, तो देखो दे हैड हेल्प्ड हिम समटाइम्स, ओके, ही हैड बीन हेल्प्ड बाय देम समटाइम्स, ऐसा भी हो सकता है। ओके, या समटाइम्स कभी कभी आगे दे देता है, समटाइम्स दे हैड हेल्प्ड हिम, तो आप पैसिव में भी करोगे समटाइम्स ही हैड बीन हेल्प्ड बाय देम। ओके, तो मेन आपका मोटिव क्या है जब आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जब भी आप करते हो तो आपको मेन ये जो स्ट्रक्चर है उसे पहचानना है कि ये स्ट्रक्चर मेरे सेंटेंस में कहां है। ज्यादातर जो एग्जाम्स में आएंगे वो आपका सिर्फ यही स्ट्रक्चर होगा, कभी कभी एक्स्ट्रा एक ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा एक फ्रेज जो है वो जोड़ दिया जाता है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होती है। हाँ, चेंज होती है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में जो चेंजेस हैं वो काफी डिफरेंट होती हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, तो वो उसे अभी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम बस असर्टिव सेंटेंस कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। इसमें जो बेसिक चेंज होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट होता है एक दूसरे से, वो आगे ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, ये सारी चीजें देखनी है। और जो भी ये फ्रेज जो है समटाइम्स क्या हो जाएगा, जैसे इनडायरेक्ट डायरेक्ट में होता है कि यस्टरडे को प्रीवियस डे, ये सारी चीजें लिखनी है, वो अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो अभी आपको सिंपल सेंटेंसेस करने हैं, बस आपको ये जो है इसे पहचान कर इसमें ट्रांसफर करना है। जितने भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के वीडियो हैं सबके लिए यही होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। मंकीज हैड ईटन द बनानास। ओके, ये है मेरा एक्टिव वॉइस में। पैसिव में जब इसे करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये द बनानास। ओके, आर्टिकल कभी छूटना नहीं चाहिए, द बनानास है तो हम द बनानास ही लिखेंगे। द बनानास, ओके, द बनानास हैड, हैड के बाद क्या लगाना है? बीन, हैड बीन। V3 ईटन ही रहेगा, ईटन बाय द मंकी या सिर्फ मंकी, क्योंकि इस जगह मेरा आर्टिकल नहीं है। ओके, तो आर्टिकल कभी भी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है और अगर दिया हुआ है तो उसे मिस नहीं करना है। ओके, तो एक्टिव वॉइस में क्या था? मंकीज हैड ईटन द बनानास। पैसिव वॉइस में द बनानास हैड बीन ईटन बाय मंकीज। ओके, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब चलते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव सेंटेंस इसका एक्टिव वॉइस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस
had प्लस नॉट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या है, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, देन हैड, उसके बाद नॉट लगाएंगे, राइट, देन बीन आएगा मेरा, देन वी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन, ओके। तो दो हेल्पिंग वर्ब्स थे पैसिव वॉइस में, यहां भी देखो दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही मुझे हमेशा नॉट लगाना होता है, ठीक है, तो हैड के बाद ही मैं नॉट लगाऊंगा। एग्जांपल्स करते हैं इसका, एग्जांपल नंबर वन, इसी को मैं लिखता हूं फिर से, दे हैड हेल्प्ड हिम, तो इसका क्या होगा, नेगेटिव में दे हैड नॉट हेल्प्ड हिम, समटाइम्स लिखना है, समटाइम्स भी लिख लेते हैं, ओके, ये हो गया। अब मुझे पैसिव में चेंज करना है इसे, तो ही जो है, सॉरी हिम जो है वो ही बन जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तो ही हैड नॉट लगाना है, नॉट लगाएंगे, बीन, फिर उसके बाद हेल्प का हेल्प भी रहेगा, वी थ्री है, ओके, ही हैड नॉट बीन हेल्प्ड बाय दे का देम हो जाएगा, और एक चीज समटाइम्स जो था वो भी लिखना है, मिस नहीं करना है कोई भी चीज, ओके। सो ये था, दे हैड नॉट हेल्प्ड हिम समटाइम्स, इसका पैसिव वॉइस होगा ही हैड नॉट बीन हेल्प्ड बाय देम समटाइम्स, ओके। एक और एग्जांपल कर लेते हैं ये मंकीज वाले को, इसमें क्या होगा, मंकीज हैड ईटन द बनानास था, इस वाले में क्या हो जाएगा, मंकीज हैड नॉट ईटन द बनानास, लिख लेते हैं इसको, मंकीज हैड नॉट eaten the bananas, ओके। पैसिव वॉइस में क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रंट में आएगा, द बनानास, उसके बाद क्या है, द बनानास ऑब्जेक्ट हो गया मेरा, आगे आ गया, हैड नॉट बीन eaten by monkeys, okay, the bananas had not been eaten by monkeys, तो ये मेरा था negative sentence, इसमें structure में क्या देखे हम लोग यहां पे, कि मेरा जो first helping verb है उसके बाद ही मैं not लगाऊंगा, वैसे ही लगा हुआ है देखो, he had not been helped by them sometimes, इस वाले में भी पैसिव में द बनानास हैड नॉट बीन ईटन बाय द मंकीज, ओके। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, अब इंट्रोगेटिव करना है हम लोगों को, सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ आवर इंट्रोगेटिव, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन बनाना है हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आकर, ओके। तो एक्टिव वॉइस में आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके, यही था। असर्टिव में क्या था मेरा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब मेरा आगे आ जाता है, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड है तो वो आगे आ जाएगा, पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, ओके, हेल्पिंग वर्ब भी है हैड, इसके बाद मेरा सेकंड हेल्पिंग वर्ब रहेगा, देन वी थ्री देन बाय देन सब्जेक्ट प्रोनाउन क्वेश्चन मार्क, ओके। तो ये था, आप रिकॉल करिए उसको जो असर्टिव सेंटेंस में मैंने अभी अभी बताया, तो वहां पे आपका था क्या, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन था, है ना। तो इस वाले में इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब इन द सेंस कि आपका मेन हेल्पिंग वर्ब जो है, जो आपका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आएगा, है ना। तो ये हैड आएगा आगे, हैड और बाकी का जो है पूरा वो वैसे ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहेगा, राइट। एग्जांपल करते हैं इसका, एग्जांपल नंबर वन क्या था, हैड दे हेल्प्ड हिम समटाइम्स, राइट, ये है आपका एक्टिव वॉइस। पैसिव में इसे करते हैं,
तो यहां पर भी हैड आएगा, हैड ही बीन हेल्प्ड बाय देम समटाइम्स। ओके, तो ये देखो बस कुछ भी चेंज नहीं है, जो मेरा असर्टिव में था बस वही मैंने इसे यहां पे चेंज किया है। जो हैड है मेरा वो हेल्पिंग वर्ब यहां पे था, है ना, ही हैड बीन हेल्प्ड बाय देम समटाइम्स, ये था, तो बस वो यहां से आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका इंट्रोगेटिव बन गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस यही चेंज है इंट्रोगेटिव में और कोई भी चेंज नहीं है। नंबर टू क्या था, हैड मंकीज ईटन द बनानास। ओके, हैड मंकीज ईटन द बनानास, ये है आपका, तो इसका जो पैसिव वॉइस है उसमें क्या होगा, हैड रहेगा, हैड द बनानास बीन ईटन बाय मंकीज क्वेश्चन मार्क। ओके, यहां पर भी सेम, द बनानास मेरा ऑब्जेक्ट था तो ये हैड यहां पे था, द बनानास हैड बीन ईटन बाय मंकीज, ये था, तो यहां से हैड जो हटके है वो आगे आ गया है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये कंप्लीटेड है। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में डाउट्स पूछिए, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।